टीम पापा के सदस्यों ने शिक्षा विभाग में बड़ा खुलासा किया है। टीम पापा के सदस्यों का कहना है कि सतीश चंद्र ने अपने बच्चों का फतेहाबाद रोड स्थित ऑल सेंट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 96,000 की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र बनवा लिया और शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूल में आवेदन किया, जबकि सतीश चंद्र कई लाख रुपए का ITR भर चुके हैं। शिक्षा विभाग में एक नई क्रांति आई जब RTI के तहत, जब जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता था, जिनकी सैलरियाँ कम होती थी, उनके लिए एक शिक्षा का कानून बनाया गया। उसके तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की गई कि इसमें ऐसे बच्चे पढ़ेंगे, पर उन सीटों पर जो बड़े लोग हैं, जो पैसे कमाने लोग हैं, उनकी नीयत उन पर कहीं ना कहीं डगमगा रही है। ऐसा एक मामला सामने आगरा में आया है, इसी विषय बात करेंगे। दीपक जी, क्या मामला है ये, कैसे आपको पता लगा कि कोई लाखों रुपए RTI दे रहा है और वो अपने बच्चे का एडमिशन इसी के माध्यम से कराना चाह रहा है? देखिए, मेरे को आज अपना ही एक शेर याद आ रहा है। अमूमन तो दूसरे के लोग शेर याद करते हैं, लेकिन आज मैं अपने शेर की दो पंक्तियों से शुरुआत करूँगा कि गरीबों का हो भला गरीबों के लिए बनती हैं, गरीबों का हो भला गरीबों के लिए बनती हैं, सरकारी योजनाएँ केवल अमीरों का घर बढ़ती हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला यहाँ पर आया है। 4 लाख से ऊपर का ITR दाखिल करने वाला एक व्यक्ति अपने बच्चे का दाखिला मात्र 96,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनवा कर गरीबों की सीट मार कर स्कूल में करा देता है। इसका कोई नाम पता या कुछ किस स्कूलों का मामला है, कहाँ, आप कैसे पता लगा ये मामला? देखिए, चूंकि हम लोग लगातार इस विषय में 2020 से अपना आंदोलन चला रहे हैं और हम लोग गरीबों के हित में भी काम कर रहे हैं, तो हमारे कई ऐसे विश्वसनीय सूत्र अब तक बन चुके हैं जो कुछ चीज़ों को हम तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही एक विश्वसनीय सूत्र से हमारे पास खबर आई, एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमको दिया गया और एक पेरेंट की डिटेल हमें दी गई और कहा गया कि इसके विषय में यदि आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको कुछ सनसनीखेज मामला नज़र आएगा। हमने एक CA से कांटेक्ट करके उनके इनकम टैक्स असेसमेंट की जब रिपोर्ट निकलवाई तो मालूम पड़ा कि इनके द्वारा 96,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनवा के अपनी बच्ची का दाखिला ऑल सेंट स्कूल शमशाबाद रोड पर है, वहाँ पर करवाया गया है और 4 लाख से ऊपर ये ITR दाखिल कर चुके हैं। तो कमाल की बात आप ये देखिए कि ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। 96,000 का फर्जी आय प्रमाण पत्र बनना क्या ये सिद्ध नहीं करता कि आगरा तहसील के जो कर्मचारी हैं वो इसमें संलिप्त हैं? जो अधिकारी हैं, जो तहसीलदार साहब हैं, उनको ये मामला बिना उनके संज्ञान में आई, इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है? और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये तो एक मामला, आज हमने साक्ष्य के साथ आज हमारी मुलाकात हुई है ACM साहब संजीव कुमार शाक्य जी से, उन्होंने हमें तहसील भी भेजा SDM नवोदिता शर्मा जी के पास और नवोदिता जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर आज एक कमेटी बनाई जा रही है और जल्द ही इस पर जो भी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। गरीबों के हक पे डाके डालने वाले को मैं कहता हूँ, चाहे अभिभावक हो चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस पर रोक लग सके। आगरा में इस तरह के मामले में हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी ऐसे मामले आए, तो इसमें क्या मतलब कैसे जानकारी हासिल हुई पूरी? देखिए, जानकारी तो हमारे विश्वसनीय सूत्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी रूप में हमें देते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम समाज के लिए, गरीबों के हित के लिए हम वो कर रहे हैं जो कि कोई संस्था नहीं कर रही। आप जान के सुन के ताज्जुब करेंगे कि जब शाके महोदय ने हमें SDM महोदय नवोदिता मैडम के पास हमें भेजा, तो उन्होंने हमारा संस्था का नाम सुनते ही, लेटर हाथ में लेते ही, कह रहे मैं तो पिछले आप जब से स्टार्ट किए हैं तब से मैं आपको ये जानती हूँ कि आप किस तरह से किस लेवल पे काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है। और उसी खुशी के साथ मैं ये भी तुम्हें बता रही हूँ कि मैं इसमें एक समिति बना के उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको आपके लेटर के द्वारा आपके घर पे या आपका जो एड्रेस है उस पे मैं भेजूंगी, जिससे कि आपको ये महसूस हो कि हमने इसमें क्या एक्शन लिया है। तो लगातार जो टीम पापा के सदस्य ऐसे मामलों को उठाते रहते हैं, चाहे फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे महंगी किताब का मामला हो, लगातार ऐसे मामले जो अभिभावकों के हित में उठाते रहे, इसकी यही कारण है कि लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं। ये नया मामला भी उजागर हो गया है, इसमें अभी अधिकारियों ने टीम गठित कर जल्द ही जो है कार्रवाई की बात कही है। अपने साथी राहुल सान के साथ लक्ष्मीराज सिंह, CNews आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल CNews के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।